तो हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? मुझे तो अच्छे होंगे। सो फ्रेंड, अगर आप लोग का भी ड्रीम इलेवन में कुछ इस प्रकार से प्रॉब्लम आता है फ्रेंड, जैसे आप लोग एड मनी करने जाते हो, तो यहाँ पे रियल एस्टेट प्रॉब्लम आता है, मतलब लोकेशन प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ पे तो बहुत लोग के साथ ऐसा प्रॉब्लम देखने के लिए मिलता है फ्रेंड। ठीक है, तो आज का जो कि 2024 का बिल्कुल न्यू प्रोसेस, नया तरीका आपको बताने वाला हूँ कि आप किस प्रकार से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, मतलब ठीक कर सकते हो। तो पूरा लैब प्रूफ आपको ठीक करके बताने वाला हूँ। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो कि मेरा ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे यहाँ पे मैं अपना वॉलेट में टैप करता हूँ एड मनी करने के लिए, तो यहाँ पे एड मनी करने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। यहाँ पे एक पॉपअप आ रहा है, यहाँ पे बोल रहा है रजिस्टर्ड, यहाँ पे जो कि बोल के बोल रहा है, और लोकेशन यहाँ पे बोल रहा है फ्रेंड। ठीक है कि आपका लोकेशन में प्रॉब्लम है, आपको अपना लोकेशन को ठीक करना है। तो आखिर ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है और इसका क्या सोल्यूशन है? ठीक है, सो फ्रेंड, जैसे हिमाचल हो गया, आसाम हो गया, आंध्रा हो गया, नागालैंड हो गया, है ना, ऐसा कुछ जगह है, स्टेट है जहाँ पे ड्रीम इलेवन बैंड है, मतलब वहाँ पे आप लोग ड्रीम इलेवन नहीं इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, मतलब नहीं चला सकते हो। तो आज का वीडियो में आपको ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ जिसको इस्तेमाल करके आप कहीं पे भी चला सकते हो, वाला वरिंगा में कहीं पे भी, या फिर अदर कंट्री में भी आप लोग ड्रीम इलेवन को चला सकते हो फ्रेंड। ठीक है, आप लोग चाहे कहीं से भी हो, आपको जो मैं तरीका बताने वाला हूँ फ्रेंड। ठीक है, तो क्या तरीका है, क्या सेटिंग करना है, किस प्रकार से क्या करना है, पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ फ्रेंड। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपना लोकेशन को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे लोकेशन ही प्रॉब्लम है ना। तो लोकेशन चेंज करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ से सीधा बैक आ जाना है फ्रेंड। ठीक है, मैं बैक आ जाता हूँ। उसके बाद आपको सीधा आ जाना है प्ले स्टोर पे, गूगल प्ले स्टोर पर आ जाना है। प्ले स्टोर पर आने के बाद यहाँ पे सर्च बटन मारना है, उसके बाद यहाँ पर आपको लिख लेना है लोकेशन चेंजेस। लोकेशन चेंजर लिख के आपको सर्च करना है, तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन देखने के लिए मिल जाएगा लोकेशन चेंजर 4.5 राइटिंग है, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। इंस्टॉल इंस्टॉल करने के बाद इसके अंदर आपको कुछ सेटिंग करना पड़ेगा, बेसिक सेटिंग जो मैं आपको बताने वाला हूँ। करने के बाद आपका लोकेशन चेंज हो जाएगा, आपका ड्रीम इलेवन का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। आपको विदाउट स्किप करते हुए, बिना स्किप करते हुए वीडियो को देखना है। यहाँ पे एप्लीकेशन को आपको ओपन कर लेना है। एप्लीकेशन को जैसे यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे आपको नो पे टैप कर लेना है, एलाउ कर लेना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, नीचे आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे सर्च वार, सर्च वार के ऑप्शन पर आपको टैप कर लेना है। इससे पहले यहाँ पे लोडिंग हो रहा है, इसको लोडिंग होने देंगे। लोडिंग हो गया, आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे नीचे सर्च वार दिख रहा है, इसके ऊपर टैप कर लेंगे। टैप करने के बाद यहाँ पे आपको दिल्ली, बम्बई या फिर हरियाणा, बिहार कुछ भी लिख देना है इसमें से, है ना। जैसे बिहार, दिल्ली, हरियाणा, बम्बई हो गया, ऐसा आपको लिख देना है। आप चाहे कहीं से भी हो, कोई प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं होने वाला है, आपका प्रॉब्लम डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। जो मैं आपको बताने वाला हूँ वही आपको कर लेना है। सिंपल से यहाँ पे मैं बिहार लिख देता हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं बिहार लिख दिया फ्रेंड। बिहार लिखने के बाद यहाँ पे आपको एक सर्च का ऑप्शन दिख रहा है, इसके ऊपर एक बार टैप कर लेना है, कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो नीचे बिहार इंडिया आ गया, लेकिन अभी तक आपका प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व नहीं हुआ। ऊपर में भी बिहार इंडिया आना चाहिए, इसके लिए नीचे स्टार्ट का ऑप्शन पे टैप कर लेंगे। स्टार्ट का ऑप्शन पे टैप करने के बाद यहाँ पे आपको सेटिंग का जो यहाँ पे बता रहा फ्रेंड, है ना, यस के ऑप्शन पे यहाँ पर आपको टैप कर लेना है। जैसे यहाँ पे यस के ऑप्शन पे टैप कर लेंगे, सीधा आपको फिर से यस के ऑप्शन पे यहाँ पे टैप कर लेना है। यस के ऑप्शन पे टैप करने के बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा शॉर्ट केयर इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे टैप कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा पांचवा नंबर पे बेल्ट नंबर, यहाँ पे 7 बार टैप कर लेना है। ठीक है, इस प्रकार से आपको 7 बार टैप कर लेना है। 7 बार टैप करने के बाद आपके सामने मोबाइल स्क्रीन लॉक आएगा, आपको अपना डाल लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपका डेवलपर ऑप्शन 1 हो जाएगा, यहाँ से आपको बैक आ जाना है। फिर से बैक आ जाएंगे, फिर आपको यहाँ पे स्टार्ट के ऑप्शन पे एक बार टैप कर लेंगे। जैसे स्टार्ट के ऑप्शन पे टैप कर लिया, यहाँ पे फिर से यस कर लेंगे, यस कर लिया। उसके बाद यहाँ पे आपको देख लेना है सिलेक्ट मूव लोकेशन, या नीचे आपको इसको डाउन करते हुए आ जाना है। यहाँ पर आपको चेक कर लेना है सिलेक्ट मूव लोकेशन या कहाँ पर है। धीरे धीरे नीचे इसको डाउन करेंगे और यहाँ पे चेक कर लेंगे फ्रेंड। ठीक है, अगर आपका वीवो फ़ोन है तो आपको पूरा नीचे मिल जाएगा, यहाँ पर देख पा रहे हो सिलेक्ट मूव लोकेशन ऐप। अगर आपका अदर फ़ोन है, आपको नीचे इस प्रकार से देख लेना है कि सिलेक्ट मूव लोकेशन ऐप कहाँ पर है।
मेरा वीवो फोन है, सबसे नीचे यहाँ पे दिख रहा है सिलेक्ट मूव लोकेशन है, आप इसको पर एक बार टैप कर लेंगे। यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा लोकेशन चेंजर, जो एप्लीकेशन है जो इंस्टॉल किया वही यहाँ पे शो होगा, उसको ऊपर एक बार टैप कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से आपको बैक आ जाना है, उसके बाद फिर से आपको स्टार्ट का ऑप्शन पे और एक बार टैप कर लेना है। स्टार्ट का ऑप्शन पे टैप करने के बाद यहाँ पे इसका जो लोकेशन परमिशन है ये यहाँ पे यस करना है, तो यहाँ पे यस का ऑप्शन पे टैप कर लेंगे, एलावा कर लेंगे। फिर से यहाँ पे और एक बार स्टार्ट का ऑप्शन पे टैप कर लेंगे। स्टार्ट का ऑप्शन पे टैप करने के बाद यहाँ पे बता रहा है 24 आवर्स के लिए आपका लोकेशन चेंज हो जाएगा, 24 आवर्स बाद ऑटोमेटिक रियली का मतलब लोकेशन हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। 24 आवर्स बता जाता है, 2-3 दिन आराम से चल जाता है। अगर आपका फिर से ऐसा है तो सेम प्रोसेस कर लेना है ना, आपका सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम। यस का ऑप्शन पे टैप कर लेंगे। यस का ऑप्शन पे टैप करने के बाद आप लोग के सामने एक छोटा सा एड भी आ सकता है। मैं फोन थोड़ा काम कर लेता हूँ ताकि आप लोग को समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। आपको यहाँ पे एक 25 से 30 सेकंड का एक एड आएगा, जिस एड को आपको देखना ही पड़ेगा क्योंकि एप्लीकेशन फ्री है ना, इस एप्लीकेशन को आपको फ्री में इस्तेमाल करने के लिए मिल रहा है, इसलिए एड दो देखना पड़ेगा अगर आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए तो। 10 से 15 सेकंड का एड है, तुरंत ख़त्म हो जाएगा अभी देख पा रहो कि मेरा, क्योंकि एड ख़त्म होने वाला और 2 सेकंड बाकी है। ये एड यहाँ से ख़त्म हो गया, एड ख़त्म होने के बाद यहाँ से क्या करेंगे, इसको स्किप कर लेंगे। आप लोग देख पा रहो एड ख़त्म होते ही लोकेशन यहाँ पे मेरा चेंज हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हम सीधा बैक आ जाएंगे, बैक आ गया, फिर से यहाँ पे ड्रीम इलेवन को ओपन कर लेंगे। ओपन कर लिया, फिर से ड्रीम इलेवन को ओपन करने के बाद थोड़ा वेट कर लेंगे, रिफ्रेश कर लेंगे, वॉलेट में आ जाएंगे। वॉलेट में आने के बाद आप लोग देख पा रहे हो फ्रेंड कि यहाँ पे मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, यहाँ पे एड मनी करने का मेरा ऑप्शन आ रहा है फ्रेंड, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेंगे, आप लोग को स्क्रीनशॉट नहीं हो रहा, मतलब आप लोग को शायद ब्लैक स्क्रीन दिख रहा है, लेकिन डेफिनेटली मेरा प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो गया फ्रेंड। अभी आप लोग इतना करने के बाद आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, आप लोग एड मनी कर सकते हो, गेम खेल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, वॉल है ना, आपका डेफिनेटली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लेना, चैनल नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना फ्रेंड, क्योंकि इस चैनल में आपको इसी प्रकार से हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए मिलता रहता है और हमेशा मिलता रहेगा। चलो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए फ्रेंड इतना ही था, ओके बाय, टेक केयर।